बिस्मिल्लाह रहमान रहीम जी, सबसे पहले तो मैं कौम को ये बताना चाहता हूँ कि अभी डॉक्टर्स के साथ, डॉक्टर फैसल सुल्तान के साथ तफसीली बातचीत हुई है मेरी। उन्होंने बताया है कि उनको, खान साहब को जो ज़ख़म आए हैं वो ज़ख़म किस नौयत के हैं, और इंशाल्लाह ताला उनकी कंडीशन स्टेबल है और ऐसे ही रहेंगे, कोई ख़तरा उनको नहीं है। उसके ज़ाहिर है गोलियाँ लगी हैं, उसके पैलेट्स लगे हुए बहुत सारे, तो ये कहना मुश्किल है कि वो दो हैं या तीन हैं, लेकिन उनकी टांग के नीचे वाले हिस्से भी लगी है, हड्डी पे भी चिप हुआ है, और ऊपर रान के अंदर भी उनको ये गोली लगी है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह डॉक्टर्स ने उनको देख लिया है, सीटी स्कैन हो गया है और ओआर के अंदर इस वक्त हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह स्टेबल है। मेरे ख्याल में अब किसी भी शख्स को ये अगर शक था तो वो शक दूर हो जाना चाहिए कि इमरान खान जो बार बार ये बात कहते थे कि मैं इस मुल्क की हकीकी आज़ादी के लिए अपनी जान देने को तैयार हूँ, उसमें किसी को शक नहीं रह जाना चाहिए। मेरी दो दिन पहले उनसे बात हुई, बहुत ज़्यादा ये आ रही थी खबरें कि सिक्योरिटी का ख़तरा है, और मैंने उनको फ़ोन किया, मैंने कहा जी ये आ रही है खबर, तो उन्होंने कहा कि वो ठीक है लेकिन हम जो जिहाद के लिए अब निकले हुए हैं इसके अंदर तो असद हमें बस अल्लाह पर ईमान रख कर अल्लाह के ऊपर छोड़ना चाहिए, वो अल्लाह ताला हमारी हिफाजत करेगा, और मुझे यकीन है, ये मैं दिल से मैं हमेशा से मानता हूँ, अल्लाह ताला का साया है इमरान खान के ऊपर, इंशाल्लाह ताला उसने भी बहुत बड़े बड़े काम कराने इस मुल्क के लिए इमरान खान से, इंशाल्लाह ताला वो हिफाजत रहेंगे। अब से थोड़ी देर पहले उन्होंने मुझे और मियां असलम इकबाल को बुलाया और उन्होंने कहा कि मेरे बिहाफ पर ये स्टेटमेंट जारी करो, क्योंकि वो कह रहे हैं कि मेरे पास पहले से भी कुछ इन्फॉर्मेशन आ रही थी जिसका हमें पहले पता नहीं था, लेकिन उन्होंने ये कहा, और उन्होंने कहा है कि तीन लोगों के ऊपर मेरा यकीन है कि जिन्होंने ये सब कुछ करवाया है, और वो तीन लोग जो हैं वो शहबाज शरीफ हैं, वो राणा सनाउल्ला हैं, और वो मेजर जनरल फैसल हैं। ये उन्होंने कहा कि मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन पहले आ रही थी जिसकी बुनियाद के ऊपर मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो कातलाना हमला करवाया गया ये इन लोगों ने करवाया है, और मुतालबा ये है कि इन तीनों को अपने ओहदे से हटाया जाए, और अगर इनको अपने ओहदे से नहीं हटाया गया तो फिर मुल्कगीर एहतजाज होगा, और फिर ऐसा नहीं हो सकता कि पाकिस्तान ऐसे चलता रहे अमूमी हालात के साथ जब तक इन तीन लोगों को नहीं हटाया जाता। ये खान साहब ने पैगाम दिया है सारी कौम के सुनने के लिए, और इसके ऊपर जो है जाहिर है तमाम पार्टी के वर्कर्स और जो लोग भी हैं वो इंतजार करेंगे, जिस दिन भी या जिस वक्त भी खान साहब ये कॉल देते हैं इस एहतजाज की, तो फिर मुल्क भर में एक एहतजाज शुरू हो जाएगा, अगर जो खान साहब ने मुतालबा किया उसको पूरा नहीं किया गया। देखिये, आज जो जालमाना, बुजदिलाना, वैश्याना जो आज अटैक किया गया, कातलाना हमला किया गया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान साहब पर और उनके साथियों पर, जिसकी मिसाल शायद पाकिस्तान की तारीख में नहीं मिलती। खान साहब ने थोड़ी देर पहले जो कहा है, हम इन तीनों अफराद के ऊपर FIR रजिस्टर करवाने जा रहे हैं, और मुतलका IG को FIR के लिए हम अपनी स्टेटमेंट दे रहे हैं, और इन तीनों अफराद के ऊपर जो है वो FIR रजिस्टर होगी, और वज़ीर आला पंजाब ने कहा है कि हम JIT बनाएंगे और उसके हवाले से जो भी है इन्वेस्टिगेशन वो सारी होएगी। तो मैं समझता हूँ कि ये बुजदिलाना जो हरकत की गई है इसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं, और इसके साथ साथ हम अगली कॉल का इंतजार कर रहे हैं कि खान साहब जो कॉल देंगे उसके मुताबिक फिर उनके जो वर्कर्स हैं जो उनसे प्यार करते हैं, इंशाल्लाह उसके मुताबिक चीज़ें हम करेंगे।